मेरा नाम डॉक्टर एचएन धोलीवाल है। मैं इस राजपूताना पीजी कॉलेज कोटपुतली में सन 2004 से प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हूँ। इस कॉलेज की स्थापना 2004 में की गई थी। इसके डायरेक्टर श्री मिस्टर महेंद्र चौधरी हैं और प्राचार्य पद पर मैं कार्यरत हूँ। हमने जब 2004 में संस्था की स्थापना की, उस समय कला संकाय के अंदर कॉलेज की शुरुआत की थी। उस समय हमारे पास 142 एडमिशन हुए थे। उसके बाद निरंतर यह कॉलेज प्रगति के पथ पर अग्रसर है और 2015 में हमने बीएससी चालू किया, 2018 में यहाँ पर एमएससी चालू हुआ और इस साल 2023-24 में हमने पीजीडीसीए योगा एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है, ये पीजी कोर्स है और इसके साथ ही एमए में गृह विज्ञान और मनोविज्ञान भी संचालित कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस समय हमारे पास बीए बीएससी एमए एमएससी बीए बीएड और बीएससी बीएड ये कोर्स ये संकाय संचालित हैं और इस संस्था की बहुत बड़ी उपलब्धियां रही हैं, क्योंकि इस संस्था को राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवाओं का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिला है, संभाग स्तर पर और राज्य स्तर पर जल मित्र पुरस्कार भी मिले हैं। सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में भी हमारी संस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा है और खेलकूद में हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बच्ची का पूजा का चयन हुआ था और राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर यानी राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है उसमें हमारे छात्र छात्राओं ने राज्यपाल पुरस्कार तक प्राप्त किए हैं और बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही हमारे स्काउट का जो क्षेत्र है, स्काउट के क्षेत्र में हमारे पास यहाँ 3 इकाइयाँ हैं, उसके अंदर हमें संस्था को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये स्काउट के क्षेत्र में भी संस्था का बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ पर खेल के मैदान की पूरी व्यवस्था है। खेल कूद में हमारे बालक और बालिकाओं को प्रतिवर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जो आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताएँ होती है उसमें भिजवाया जाता है और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमारी संस्था में आज तक यानी 20 वर्षों में हजारों विद्यार्थियों का राजकीय और गैर राजकीय सेवाओं में चयन हो चुका है और हमारे यहाँ NSS की राष्ट्रीय सेवा योजना की 3 इकाइयाँ संचालित हैं। उन तीनों इकाइयों में सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम करवाए जाते हैं और इसमें भी हमारे छात्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, विद्यार्थियों का। इसमें जो स्वयं सेवक हैं वो प्रतिवर्ष कहीं न कहीं अच्छी उपलब्धि अर्जित करते हैं और इस स्काउट के क्षेत्र में भी हमें राज्य स्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा एक रेड रिबन इकाई संचालित की जाती है, उसकी हमारे रेड रिबन की RRC की 3 इकाइयाँ संचालित हैं। इस रेड रिबन के क्षेत्र में भी सन 2020 में हमारे राजस्थान के जो चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री थे श्री रघु शर्मा जी, उन्होंने भी युवाओं में एड्स के प्रति जन जागृति उत्पन्न करने के कारण संस्था प्राचार्य डॉक्टर एचएन धोलीवाल को सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही हमारी इस संस्था में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों के ऊपर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहा है और हमारी संस्थान में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कक्ष भी अच्छे हैं, शानदार हैं और पुस्तकालय भी है और साइंस विज्ञान संकाय में और आर्ट संकाय में जैसे भूगोल हुआ और साइंस में हुआ, ये सारी प्रयोगशालाएं हमारे पास यहाँ उपलब्ध हैं। संस्था में संपूर्ण प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं और वर्तमान में हमारे पास संस्थान में 1300 बच्चे अध्ययनरत हैं और इनका रिजल्ट प्रतिवर्ष बहुत अच्छा रहता है। हम कोशिश करते हैं और मेहनत कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी संस्था और दूनी उन्नति करे। धन्यवाद।